आरटीसी करेरा भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में विश्व तपेदिक दिवस के उपलक्ष्य पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संस्था प्रमुख सुरेंद्र खत्री उप महानिरीक्षक के द्वारा लगभग 125 पदाधिकारियों को तपेदिक की बीमारी के लक्षण और उसके फैलने व उसके बचाव व इलाज के उपाय बताए गए। उप महानिरीक्षक ने बताया कि यदि किसी व्यक्ति को लगातार खांसी बुखार रहता है तो उस व्यक्ति का भार लगातार कम हो रहा है तो ये टीबी के लक्षण हो सकते हैं। यदि समय पर इस बीमारी का इलाज न करवाया जाए तो ये हमारे फेफड़ों को बहुत अधिक नुकसान पहुंचा सकती है। उन्होंने बताया कि यदि किसी व्यक्ति को टीबी के लक्षण हो तो सुनिश्चित किया जाए वो कहीं भी खुले में ना थूके, उस व्यक्ति का किसी भी प्रकार का जूठन का सेवन कोई अन्य ना करे। उनके द्वारा इसके इलाज के बारे में बताया और कहा कि आज हमारे देश के हर एक अस्पताल में डॉट सेंटर खुले हैं जहां पर टीबी से पीड़ित व्यक्ति का मुफ्त में इलाज किया जाता है। बीमारी से ग्रसित व्यक्ति को सरकार की तरफ से कुछ राशि पौष्टिक आहार के लिए भी दी जाती है। इस प्रकार बीमारी का लगातार इलाज करवाने से व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकता है। इस बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति को अपने खान पान पर ध्यान देना होता है। इस सत्र के दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जारी प्रचार सामग्री का प्रयोग किया गया। एक अलग समारोह में डॉक्टर गुंजन ने आईटीबीपी के जवानों के परिवारों को जागरूकता का बखान दिया। सेव लाइफ कहने का मतलब है टीबी को पूरी तरह से खत्म करना है, उसके लिए इन्वेस्टमेंट करें सो दैट लाइफ्स आर सेव, ताकि जिंदगी बच जाए। जब से कोविड हुआ है उसके पश्चात जो टीबी के केसेस हैं वो पूरे विश्व भर में बढ़ गए, क्योंकि सभी सरकारों का जो एक फोकस, लेकिन अगर इनकी जेबें चेक की जाएंगी तो 50% की जेबों में से नेवला छाप अब आपको मिलेगा पूरिया। तो कृपया करके आप तंबाकू का सेवन बंद करें। वी अर्जेंटली नीड, इसके लिए हमने क्या करना है, कोलैबोरेशन, एक्शन एंड अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस सेक्टर कैन हेल्प टू एंड टीबी। कोलैबोरेशन, एक्शन एंड अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस सेक्टर कैन हेल्प टू एंड टीबी। अब यहां पे सेक्टर्स का मतलब है आईटीबीपी के सेक्टर्स नहीं है, यहां सेक्टर्स का मतलब है जैसे तीन चार चीजें बताई गई थी कि पॉवर्टी है, डायबिटीज है, तंबाकू है, मेल न्यूट्रिशन है, ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंडर में आते हैं। तो जो आपस में अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, सेक्टर्स हैं, उनके बीच में आपस में अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अच्छा कोऑर्डिनेशन होने से जो टीबी की बीमारी है वो कम से कम होगी। वी अर्जेंटली नीड न्यूर अफेक्टिव डायग्नोस्टिक्स, मेडिसिन, वैक्सीन एंड अदर टूल्स टू कॉम्बैट टीबी। हमें अर्जेंट बेसिस पे डायग्नोसिस के लिए नए तरीके, नई मेडिसिन, वैक्सीन और अदर बाकी टूल्स चाहिए जिससे कि हम ट्यूबरक्लोसिस सेव लाइफ। कहने का मतलब है टीबी को पूरी तरह से खत्म करना है, उसके लिए इन्वेस्टमेंट करें सो दैट लाइफ आर सेव, ताकि जिंदगी बच जाए। जब से कोविड हुआ है उसके पश्चात जो टीबी के केसेस हैं वो पूरे विश्व भर में बढ़ गए, क्योंकि सभी सरकारों का जो एक फोकस